students, now we'll continue our journey of using verbs. Today we will learn how we can use the word will, and nowadays how shall is being used nowadays. So let's see, and I am very sure that you will love the usage of will and shall. Let us start. Okay, students. Now we will see how the will is used. अब अगर इसका अपन हिंदी में अर्थ देखें तो कुछ होगा. Okay. ठीक है. You will teach us how we can use will. Will. Okay. Okay. Will मतलब आप मुझे बताएंगे कि हम कैसे will का यूज करें. Will का यूज करें. Will और shall ये फ्यूचर टेंस की को डिनोट करने वाली वर्ब्स हैं. ठीक है. जिसका हिंदी के अंदर अगर अपन देखें तो सबसे लास्ट के शब्द जो आता है कुछ होगा, वो करेगी या वे करेंगे. ठीक है. इसीलिए मैंने यहाँ पे गा गी गे लिखा हुआ है. अच्छा, मतलब लड़के के साथ भी लड़की के साथ भी दोनों के साथ विल कॉमनली यूज होता है. ओके. ठीक है. आइए अपन कुछ एक उसके साथ में वर्ब के साथ में उसका करके देखते हैं. देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो सिंपल वाक्य होते हैं वो अफर्मेटिव में आते हैं. आई एम गोइंग, आई विल गो. फिर नेगेटिव में आएंगे आई विल नॉट गो, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ. और इसी को अगर हमको इंट्रोगेटिव में बनाना है, या किसी ने हमसे कुछ पूछा है तो क्या पूछेंगे हम उनसे? विल यू गो देयर. एक्चुअली आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह शैल का यूज करते हैं. पहले ये होता था कि शैल और विल दोनों का यूज किसी भी तरीके से किया जा सकता था, परंतु अब मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज आया है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ शैल का यूज किया जाता है. शैल का यूज इधर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में उतना नहीं किया जाता है. इसका मतलब यूज करना गलत नहीं होगा. नहीं, गलत नहीं पर है. आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो शैल का यूज ज्यादा जो है अपडेटेड यूसेज होंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर शैल का प्रयोग बहुत प्रचुरता से किया जाता है, विल का प्रयोग नहीं किया जाता है. और नॉर्मल जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंसेस है ये बनाने के लिए विल का यूज किया जाता है. दोनों का अर्थ एक ही होता है, गा गी गे, करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जाएंगे, आएंगे, आएगी, जाएगी, यही होता है. ठीक है. ओके. सो मैंने बताया आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल नॉट गो, है ना, आई वोंट गो. या फिर इसके लिए आएगा शैल आई गो, शैल आई गो. देखिए, इसको डिटेल्स में हम इसमें पढ़ते हैं. आप लोगों को सबको सब्जेक्ट्स मतलब कर्ता जो होता है वो आपको ऑलरेडी अब बहुत अच्छे से पता हो गया होगा. जैसे आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट या तो मेरी बुक, किताब, पेन, या मेरा पपी, या कोई भी जो है जानवर, पेड़ पौधे, सब इट में आएंगे. फिर हम बात करते हैं दे, दे, दे वे, मतलब वो जो दूर खड़े हुए हैं, दे वे. फिर ऑल प्रॉपर नाउन, ऑल प्रॉपर नाउन मीन्स वही हमारा कविता और सीमा वहाँ खड़ी हैं, या राम और श्याम वहाँ खड़े हैं, कोई भी नाउन है ना, कोई एक या ज्यादा जो भी होते हैं वो सब्जेक्ट्स कहलाते हैं. कर्ता जो काम कर रहा है, जो जिस सेंटेंस में, जिस व्यक्ति के बारे में, या पेड़ पौधे के बारे में, या पशु पक्षी के बारे में, जिसके बारे में भी कहा गया है वो कर्ता कहलाता है. उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट. Am I right, sir? Yes, you are absolutely right. Then, हम will और किस मेन वर्ब का यूज करें? मेन वर्ब का यूज करते हैं वॉक. वॉक. ओके. आई से बनाते हैं. I will walk. Walk मतलब घूमना,
चलना या चलना आई विल वॉक मतलब मैं चलूंगा मैं चलूंगा आई विल वॉक गा ये गा आ गया इसके अंदर ठीक है इसी को निगेटिव अगर करना हो जाएगा आई विल नॉट वॉक आई विल नॉट वॉक ओके ठीक है इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये भी लिख देते हैं बच्चों के लिए आई विल वॉक 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 नहीं बोलना है हमें वॉक बोलना है इसलिए मैंने वॉक का लिया है कि हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं वॉक को इसलिए जैसे हम फादर करते हैं जैसे हम बॉय करते हैं वैसे ही हम वॉक करेंगे वॉक का प्रोनाउंसिएशन करेंगे वॉक वॉक नहीं और वाक भी नहीं वॉक 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 जब हम वॉक बोलते हैं तो वॉक क नहीं बोलते हैं वॉक जब हम क को बहुत तेजी के साथ बोल के ख़त्म कर देते हैं जैसे हम विजन में विजन न पूरा पूरा बोलते हैं विजन नहीं बोलते हैं वैसे हम जो है वॉक के जब हम प्रनाउंस करेंगे वॉक को तो वॉक को प्रनाउंस जो है ऐसा मतलब जल्दी से उसको बोल देना है तो वॉक कहलाता है ये आई विल वॉक आई विल नॉट वॉक मैं आई विल पैदल will not नहीं not walk I will not walk not नहीं बोलते हैं not 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 ठीक है not भी नहीं और not भी नहीं ठीक है I will not walk I will not walk नहीं I will not walk not 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 walk not okay अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने बताया कि आजकल विल का प्रयोग नहीं किया जाता है पहले हम शेल से बनाते हैं या ऐसा कर लेते हैं हम शेल का देख लेंगे ठीक है ओके लेट अस स्टार्ट वॉचिंग हाउ वी कैन यूज विल गा गे गी वी विल वॉक वी विल नॉट वी नॉट वॉक ठीक है इसी प्रकार से इसका हिंदी में क्या मतलब होता है हम वॉक घूमना भी होता है चलना भी होता है हम चलेंगे चलेंगे ठीक है वॉक ओके और आई विल वॉक का क्या होगा सर मैं चलूंगा Okay. I will walk. I will not walk. हम नहीं चलेंगे. नहीं चलेंगे. इसमें मैं एक चीज बता दूं. ये जो भी वर्ब्स आप हम देख रहे हैं ये सारी वर्ब्स जो हैं ये सहायक क्रियाएं हैं मतलब ये मेन वर्ब्स नहीं है इसके अंदर मेन वर्ब कौन सी है वॉक जो है ये मेन वर्ब है इसकी ये सहायक क्रिया है विल ठीक है हम नहीं चलेंगे इसी प्रकार से ही का देख लेते हैं यू का देख लेते हैं सबसे पहले हाँ यू विल वॉक यू का जब हम प्रयोग करते हैं यू विल वॉक वेन एवर विल यूज द वर्ड यू You can be used for single person and you can be used for group of persons. उसको अपन ऐसे लिख देते हैं तुम या तुम लोग जैसे हम हिंदी में whenever we'll use you people हिंदी में अगर हम बोलेंगे तुम लोग तो हमें समझ में आ जाएगा बहुत सारे लोग हैं और अगर normal बोलेंगे तुम वहाँ जाओ आपने किसी पे फ़ोन पे पूछा तुम वहाँ जाओ तो ऐसा लगेगा किसी एक के बारे में हो सकता है या ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं किसी क्लास को बोल रहे हैं या किसी टीम को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ जाओ कुछ भी हो सकता है yes. वैसे ही इसमें है यू विल वॉक तुम चलोगे या तुम लोग चलोगे यू विल वॉक तुम चलोगे या तुम लोग चलेंगे दोनों इसमें जो है
यूसेज हो सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आपको समझ में आ रहा यू है? विल नेगेटिव बनाता है, यू विल नॉट वॉक. यू विल नॉट वॉक. ओके. तुम या तुम लोग नहीं चलो. ठीक है, यू विल नॉट वॉक. यू विल नॉट वॉक. ठीक है, योर लेग इज ब्रोकन. यू विल नॉट वॉक. आपका पैर टूटा हुआ है, आप बिल्कुल नहीं चलोगे. ओके. अब एक इसके अंदर से देख लेते हैं, ही का. ही विल वॉक. ही विल वॉक, वह चलेगा. दूसरा, एक और चीज ये होती है कि जो मेन वर्ब्स होते हैं जी. उसका तो हम अर्थ उच्चारण में करते हैं, परंतु जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनका जो अर्थ है वो छुपा हुआ रहता है. उसको हम लोग कभी भी उच्चारित, मतलब उसका ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं. वो सिर्फ समझने वाली बात होती है या मेन वर्ब के साथ में उसका अर्थ छुपा हुआ होता है. ठीक है, जब हमने यहाँ पे गा लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि विल इज देयर ऑलरेडी. ओके. ओके, क्योंकि हाँ हम हिंदी अर्थ देख रहे देखिए, हैं. हम अगर हिंदी में उसको देखेंगे तो वह चलेगा. चलेगा मतलब वर्ब होता है. चलना मतलब एक्चुअली वर्ब होता है. हाँ, और चलेगा अगर हो गया है विल, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ उसके विल अंदर का जो जुड़ा है हुआ है. जो अर्थ है, या वो उसका जो ओवरऑल जो उसका मतलब होता है, वो इसमें इंक्लूड रहता है. वो क्योंकि उसमें हम आ, जो है समाहित क्योंकि रहता हम है. ऐसा नहीं बोल सकते. अगर हमें इसका अर्थ वह के कंटेक्स्ट के अंदर लेना है तो हम ये नहीं कह सकते कि गा वह चले. गे या गा चल, ऐसा नहीं लिख सकते. हिंदी में ऐसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हिंदी के अंदर क्रिया उपक्रिया सब एक साथ ही होती है. मैंने आपको पिछले ठीक है, उसमें सेशन में भी बताया था कि हिंदी लिखने का जो है एक वाक्य विन्यास का जो अपना तरीका है वो अलग होता है, अलग और होता है. इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन का जो तरीका होता है दैट इज एंटायरली डिफरेंट. हाँ, हम अब चूंकि हम हिंदी भाषी हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसलिए हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि ये कैसे होगा. बट दोनों का जो है, इवन आपके मातृभाषा का भी अपना जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका होता है वो अलग 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 होता अलग होता है. है हर तो हम भाषा का. एग्जैक्टली जो है ट्रांसलेटेड इंग्लिश नहीं बोल सकते. उसी फॉर्मेशन में, उसी सेंटेंस फॉर्मेशन के जो है प्रकार से आपको वो सेंटेंस फॉर्म करना नहीं, मैंने होता यहाँ पर है. ये चीज इसलिए बोली कि जी कोई स्टूडेंट ये बोल सकता है कि सर आपने इसके अंदर ही विल वॉक लिखा है, इसमें 3 शब्द हैं और इसमें 2 शब्द हैं, हाँ तो इसलिए मैंने उस चीज को क्लियर किया कि चलेगा के अंदर विल वॉक का अर्थ ही चलेगा होता है ये हिंदी में. हमने पहले जो वर्ब देखा था टू वॉक का, चलेगा में जब कन्वर्ट होता है तब विल वॉक हो जाता विल वॉक हो जाएगा, ही है ना. वॉक का विल इसको वॉक हो एक बार जाएगा. समझा देते हैं सर. टू वॉक को मतलब, टू टू वॉक वॉक यानी मतलब चलना, टू, हाँ चलना. चलना, और चलेगा के लिए हो जाएगा विल विल वॉक. वॉक है ना. ठीक है ना. इसका निगेटिव हो जाएगा, ही विल ही विल नॉट वॉक. नॉट वॉक. ही विल नॉट वॉक. यस, ही विल नॉट वॉक. वह अगर किसी बच्चे को लग गई है पैर में, और हमने डॉक्टर ने आके बोला कि ये बताया, यू विल नॉट वॉक, यू विल नॉट वॉक, तुम नहीं चलोगे, तो उसकी मम्मी ने या पापा ने या बड़े भाई बहन ने बोला, यस ही विल नॉट वॉक. हाँ, आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड ही विल नॉट वॉक. मैं ध्यान रखूंगा रखूंगी कि वो नहीं चले. उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके के सेंटेंसेस यूज होंगे, है ना सर. बिल्कुल. ओके. और इसका अब देखें, इसको आगे एस कर देते हैं तो शी वाला सेंटेंस हो जाएगा. बिल्कुल. यहां पर अगर हम एस लगा देंगे तो शी विल वॉक हो जाएगा, शी विल नॉट वॉक, और ये चलेगा का चले चलेगी हो गी हो जाएगी. जाएगा.
चलेगी, वह नहीं चलेगी, आपको दिख रहा है? ठीक है? शी विल वॉक, वह चलेगी. शी विल नॉट वॉक, वह नहीं नहीं चलेगी, चलेगी. ठीक ठीक है. है? इसके बाद में दे विल वॉक, दे विल वॉक, वे का अर्थ होता है वे वे चलेंगे। अब जब चलेंगे बोलेंगे तो उसका अर्थ हो गया, विल वॉक का पूरा अर्थ चलेंगे के अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक ओके है? okay. चलेंगे मतलब बहुत सारे लोग हैं और चलेंगे, आने वाले समय में चलेंगे. देखिए विल का जब भी हम यूज़ करते हैं वो आने वाले समय के लिए करते हैं. जैसे मैं आपको रोज़ बोलती हूँ वी विल लर्न दिस, वी विल लर्न कैन कुड, वी विल लर्न हैव हैज़, वी विल लर्न विल शैल, वी विल लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी विल लर्न दैट वोकैबुलरी. वी विल लर्न मतलब हम सीखेंगे. वी विल लर्न मतलब विल लर्न मतलब सीखेंगे, है ना. आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगी. तो ये जो आने वाले समय के जो शब्द होते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है इस, हाँ, वॉज एंड विल, टुडे यस्टरडे एंड टुमारो, टुमारो, है ना. आने वाले समय में टुमारो में ही हम जो कुछ करने वाले हैं वो विल के बिल के साथ साथ आएगा। यूज होता है. होप यू विल अंडरस्टैंड. अब आप इसके बाद में जितनी बार विल बोलूंगी आप ध्यान रखिएगा मैं कौन कौन से वाक्यों के साथ विल का बिल प्रयोग कर किया रही जा रहा हूँ. है। ठीक है, हाँ, ये देख लेते हैं। अब जैसे एक ईट के लिए बता देता हूं मैं। ओके. ईट के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि ईट क्या निर्जीव वस्तुओं के लिए, प्राणियों या वनस्पति के लिए यूज किया जाता जी है। सर. तो हम इसके अंदर एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक जैसे रोबोट है, हाँ, चित्ती. रोबोट इज पावर्ड बाय बैटरी, हाँ, ठीक है? एंड इट विल नॉट वॉक विदाउट इलेक्ट्रिक बैटरी. पावर और बैटरी, ठीक हाँ, है? देखिए हमने बार बार कहा है कि जब इट का प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि इट जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ में होता है या पशु पक्षी प्राणी के लिए यूज़ होता है, तो पहले हमको उसके बारे में बताना उसका पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट पहले बताना, उसे और कॉन्टेक्स्ट फिर बोलते हैं, उस इट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वह से एकदम से समझ में नहीं समझ में आएगा नहीं कि क्या है. आता। जैसे ही शी आई यू दे से समझ में आ जाता है कि ये मनुष्यों के बारे में बताया जा रहा है और कितने मनुष्यों के बारे में बताया जा रहा है. ये तो आई कम से कम अगर स्पष्ट हो बात गया था। करेंगे तो सिंगुलर होगा, वी अगर बात करेंगे तो एक से ज़्यादा होगा, यू है तो यू सिंगुलर भी हो सकता है, तुम लोग यू पीपल बोला तो प्लूरल भी हो सकता है, वैसे ही दे भी हो सकता है. कहने का अर्थ यह है कि ही शी दे वी ये सभी हम जानते हैं कि मनुष्यों मतलब पुरुष अथवा स्त्री, मेल या फीमेल, उन्हीं के यस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। इसलिए हम ही विल वॉक बोलते से ही ये समझेंगे कि किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है। परंतु तो अगर मैं सिर्फ ये बोलूं इट विल वॉक तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? इसलिए इट का जहां भी यूज होता है उसके पहले उसका कंटेक्स्ट आता है कि किस वनस्पति के बारे में या किस पशु के बारे में ये चीज बोली जा रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको रोबोट के बारे में बताया कि रोबोट इज पावर्ड बाय बैटरी एंड इट विल नॉट वॉक विदाउट बैटरी पावर, या ये भी कह सकते हैं कि इट कैन नॉट वॉक विदाउट बैटरी पावर, दोनों ही बोला जा सकता है। उस समय हम इट का यूज करेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये शेल से बनाने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये शेल से बनाया जाता है, ठीक है? इंट्रोगेटिव मतलब आपका क्वेश्चन मार्क वाला. क्वेश्चन मार्क ठीक है वाला। सर. तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं? जहां पे ये कर्ता था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मतलब जो ये सहायक क्रिया है सब्जेक्ट की जगह आ जाती है और सब्जेक्ट आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है? तो इसका हो जाएगा शैल आई वॉक, Shall I walk? शैल आई वॉक, Okay. ठीक है?
शाल इसकी जगह विल आई वॉक भी सही है, बट मॉडर्न इंग्लिश में जो है या अपडेटेड इंग्लिश में हम बात करते हैं तो आजकल विल की जगह शैल का उपयोग ज्यादा हो रहा है। शैल आई वॉक, क्या मैं मैं चलूं? ठीक है, ओके क्या मैं चलूँ? क्या मैं चलूं? ओके ठीक है, शैल आई कम, मतलब क्या मैं आपके साथ चलूँ, ऐसा भी हो सकता है। शैल आई, कम शैल आई कम, शैल आई कम, शैल आई गो? शैल आई गो? ओके ठीक है, शैल आई रीड, शैल आई डांस, शैल आई प्ले? ठीक, मतलब इन जो इनको आप सारे किसी भी वर्ब के साथ जो है रिप्लेस कर कर सकते हैं। सकते हैं। अब ओके जैसे वी के लिए देखते हैं, शैल शैल वी शैल वी वॉक? वॉक? क्या हम पहले चलें? ओके शैल वी शैल वी वॉक? वॉक? क्या ठीक हम है, चलें? क्या हम क्या हम चलें? शैल क्या वी वॉक? क्या हम चलें? अब एक और देखते हैं, यू शैल यू वॉक? बिल्कुल, क्या तुम चलोगे? शैल यू वॉक? क्या तुम चलोगे? क्या हम चलेंगे होगा है? क्या हम चलेंगे? क्या मैं चलूंगा होगा? क्योंकि अगर मैं ये बोल दूंगा क्या मैं चलूं, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और हम जो बात कर रहे चलूंगा, हैं फ्यूचर टेंस क्या की। मैं चलूंगा? क्या हम जी चलेंगे? क्या हाँ तुम चलोगे? बिल्कुल सही। ठीक है, शैल ही वॉक? शैल ही वॉक? शैल ही वॉक? क्या वह चलेगा? क्या वह चलेगा? क्या वह चलेगा? ठीक है, इसके आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने शैल और विल का प्रयोग देख लिया। ठीक है, अब आप लोग अलग अलग वर्ब्स के साथ में सारे सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में बनाकर एक दें। तो हम चेंज करके देख लेते हैं सर, हम अफर्मेटिव का एक चेंज करके देख लेते हैं, एक नेगेटिव का देख लेते हैं और एक इंट्रोगेटिव का जो है चेंज करके ठीक देख लेते है, हैं। जब हम यहाँ बात करते हैं इस बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों की, तो इसमें ये वॉक ये वर्ब है आपका, मेन वर्ब है, यहाँ भी वॉक है, यहाँ भी वॉक है, ये पूरी चीजें हैं वॉक की। ये विल वॉक आपको सर ने बताया था, विल नॉट वॉक है, ये हमने वॉक के साथ लिया है, ये हमने वॉक के साथ लिया है, ये हमने वॉक के साथ लिया है। अब इनमें से किसी एक जो है वर्ब को हम चेंज करते हैं। अब हम वॉक को चेंज करते हैं, आप बताइए किसके साथ? वॉक को हम चेंज करते हैं रीड के साथ। रीड के साथ कीजिए। रीड के साथ अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमको करना पड़ेगा आई विल रीड। आई विल रीड को अगर हम बात करेंगे तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। इसका मतलब होगा आई विल रीड आई विल रीड वी विल रीड। हम
चलेंगे, हम चलेंगे की जगह क्या आ जाएगा इसमें, हम पढ़ेंगे। आई विल रीड, आई विल रीड, रीड की बात करते हैं मतलब मैं पढ़ूंगी। यू विल रीड, आप पढ़ेंगे। यू विल वॉक, आप चलेंगे। वी विल रीड। अब हम इस नेगेटिव वाले जो है सेक्शंस, इसमें से एक को वर्ब को करके देखते हैं। सर अब कौन सा वर्ब लें बताइए। ड्राइव, ड्राइव, ओके, यस, ये वॉक को हम ड्राइव से चेंज करते हैं, इस वॉक को भी और इस वॉक को भी। हमें ये वाला वॉक भी हटाना पड़ेगा और ये, ठीक ओके, है। वी विल नॉट ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना। ठीक है, गाड़ी चलाने को ड्राइव कहते हैं और स्कूटर चलाने को सभी ड्राइव होता है। ड्राइव होता है। ओके ड्राइव मतलब चालन, चालन करने की क्रिया को ड्राइव बोलते हैं। अब वो कोई भी फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, ओके वी ऑलवेज ड्राइव द थिंग्स, ड्राइव, ड्राइव द ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, ड्राइव द इवन साइकिल भी। वैसे एक उसके लिए साइकिलिंग करके वर्ब एक है, वर्ब हो गया है, पर टू ड्राइव अ साइकिल भी बोला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत ओके नहीं है। ज्यादा ठीक है, एप्रोप्रिएट जो होगा साइकिलिंग होगा, बट ड्राइव अ साइकिल गलत नहीं होगा। वी विल नॉट ड्राइव। इसी तरीके से सभी का किया जा सकता है। इसको हमने जैसे वॉक को हमने रीड में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने वॉक को हमने ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया। एक और से करके देखें, शेल यू को हम करके देखते हैं। शेल यू वॉक की जगह हम ड्राइव ड्राइव की जगह हम उसको जंप कर देते हैं। जंप कर, हमारे जो वर्ब्स हैं हमने बहुत अलग अलग वर्ब्स लिए हैं इसमें। वर्ब मतलब कोई भी जो हम क्रिया करते हैं उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, जो हमको दिखती है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। पहले हमने लिया था इसमें वॉक, फिर हमने लिया रीड, रीड के बाद हमने लिया ड्राइव, और ड्राइव के बाद हम ले रहे हैं इसमें जंप। जंप क्या मतलब कूदना। क्या तुम कूदोगे? ठीक अच्छा हाँ सर, है, क्या तुम कूदोगे? इसमें और इसी तरीके से हाँ बहुत सी वर्ब्स के साथ में आप अपनी नोटबुक में इसी तरीके से आप चार्ट बना लीजिए और बहुत प्रैक्टिस कीजिए। विल यू जंप, क्या विल यू तुम जंप, कूदोगे। क्या तुम कूदोगे? ओके और हम जो है एनी प्रॉपर नो, नाउन वाला, नो, विल यू जंप नहीं बोलते हैं, शेल बोलते हैं शेल यू ना। जंप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा शेल का यूज कीजिएगा। मतलब मैं विल जो कह रही थी वो गलत नहीं गलत है, हैं गलत पर नहीं है, ज्यादा सही जो है। परंतु आजकल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में विल का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ शेल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम फैशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वैसे ट्रेंड के हिसाब से हमको इंग्लिश भी बोलना है। एम आई बिल्कुल राइट सर। बिल्कुल, ओके सर, अब ये एनी प्रॉपर नाउन का कोई एक वाक्य बनाकर बता दीजिए सर। किसी का भी नाम ले लीजिए। मेरी फ्रेंड का नाम है राखी राखी, एंड अन्नू, राखी एंड अन्नू, अनु, ओके किस वर्ब को लेंगे? राखी एंड अनु विल ईट फूड। विल ईट फूड, ओके विल ईट ईट फूड, फूड, राखी एंड अनु विल ईट फूड, ओके, राखी एंड अनु विल नॉट ईट यस, फूड। राखी एंड अनु अनु विल नॉट ईट फूड।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस. शैल राखी एंड अनु ईट फूड. यस. शैल राखी एंड अनु ईट फूड. इसमें हमने ये देखा कि हम प्रॉपर नाउन के साथ, चाहे वो एक हो चाहे वो दो हो, उसको हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब देखिए देखिए हमने यहाँ करके रखा है. ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है. सिंपल सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है. ये जो है नेगेटिव वाले हैं जिसमें हम नहीं जवाब देते हैं, है ना, तो उसको हमने नेगेटिव माइनस में दिखाया है. और ये इंटरोगेटिव, इंटरोगेशन जैसे पुलिस वाले इंटरोगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, वैसे हमने क्वेश्चन बनाया जिसके आगे हमने क्वेश्चन का जो है मार्क लगाया है. तो ये विल के साथ और शैल के साथ उपयोग होने वाले सारे के सारे हमने ये देख लीजिए. ये आपके लिए मैं कुछ सेकंड्स के लिए ये स्क्रीन खाली छोड़ रही हूँ कि आप उसको आसानी से देख लें और एट ए ग्लास आपको चीज़ें समझ में आ जाए. सो गिव देम फ्यू सेकेंड्स और फिर हम आगे की अगली वर्ब्स देखेंगे. अगली वर्ब देखेंगे. Then we will learn next verb. Yes. Shall we, sir? Yes, we will. Now, students, we will learn two more verbs. Those are will be and will have. Okay? Will be का हिंदी में अर्थ होता है कि कुछ होगा, या वे कहीं पर होंगे, या वह कहीं पर होगा. इस तरीके के अर्थ के लिए यूज किया जाता है. तो पहले हम विल बी का प्रयोग देख लेते हैं. इसे हम आई सब्जेक्ट को यूज करके एक वाक्य देखते हैं. आई विल बी एट होम. इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं घर पर रहूंगा. ठीक है, मैं होऊंगा, मैं घर पर होऊंगा. ठीक है, आई विल बी एट होम. मैं घर पर होऊंगा, होऊंगा या रहूंगा. ठीक है सर, ये किसी स्थिति को दर्शा रहे हैं इसलिए विल के साथ बी लग रहा है. यस, विल के साथ पे बी इसीलिए लग रहा है कि वो जो सब्जेक्ट है उसकी स्थिति को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो कहाँ पे है. वो कह रहा है कि आई विल बी एट होम. जैसे हमने वर्ब में सीखा था कि वर्ब मतलब जो किसी एक्शन को कर रहे हैं वो बताता है या स्थिति बताता है, उसकी जो वस्तु स्थिति है या उसकी जो पोजीशन है, क्या किसी के होने को बताता है, किसी को होने को बताता है. जैसे हमने बताया माय नेम इज नीता, वो भी एक होना है. यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है बट नाम होने को जो दर्शा रहा है वो है. वैसे ही इसमें घर पे होने को दिखा रहा है इसलिए उसके साथ विल के साथ बी लगेगा. विल बी. ओके, विल बी एट होम मतलब ये सारी ये जो जितनी क्रियाएं हैं ये है सब फ्यूचर टेंस की जी? क्योंकि होऊंगा से आपको क्या लगता है कि अब भी हूं या नहीं हूं, पर मैं आगे आने वाले समय में या 2 घंटे के बाद में या 10 घंटे के बाद में या कल कुछ भी हो. यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं इवनिंग 7 o'clock आई विल बी एट माय होम. यस, शाम को 7 बजे मैं अपने घर पे होऊंगा, घर पे होऊंगा. कल सुबह 10 बजे मैं अपने ऑफिस होऊंगी. हाँ, यस, एट या उसके टुमारो लिखना पड़ेगा पहले. हाँ, यस, टुमारो टुमारो एट एट 10 a.m. 10 a.m. I'll be at office. ऑफिस. ठीक है, कल सुबह 10 बजे, क्योंकि एम लिखा है इसलिए
ये क्या दर्शाता है कि सुबह सुबह का समय। ठीक है, दिन में 12 बजे के पहले एम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। टुमारो मतलब हो गया कल, 10 AM से स्पष्ट हो गया कि सुबह की बात सुबह हो रही दस है। कल बजे सुबह 10 बजे मैं ऑफिस में रहूंगा, या दोनों कह सकते हो, या होऊंगा। ठीक है, सर, इसको हम इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे टुमारो, 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 टुमारो। टुमारो, र के ऊपर टुमारो बहुत नहीं, ज्यादा, टुमारो नहीं, टुमारो नहीं है, टुमारो, टुमारो, टुमारो टुमारो, टुमारो एट 10 AM, tomorrow टेन at टेन 10 AM, I'll be at टेन office. आई विल बी एट ऑफिस। फिर ये ऑफिस आ गया। ठीक है, ये ऑफिस है, ऑफिस नहीं है, ऑफिस भी नहीं होता है, कई लोग उसको ऑफिस बोलते हैं, वो ऑफिस भी भी गलत बोलते है। हैं. ऑफिस तो बहुत ही कॉमन बोलते हैं, जबकि हमें हमेशा उच्चारण करना है ऑफिस, ऑफिस. ऑफिस। ओके, ओके, टुमारो एट 10 AM आई विल बी एट आई ऑफिस. विल बी इज एट इट ऑफिस। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? यस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो एंड विल हैव. अच्छा, अभी हम देख रहे हैं विल अभी बी. हम विल बी देख रहे हैं। ठीक है. ठीक है, क्योंकि एक विल बी का एक और प्रयोग होता है, वो हम देखते हैं अभी। एक और सब्जेक्ट के साथ में अपन देख लेते हैं, जी है ना? किसके साथ देखें? सर, दे विल बी प्लेइंग। नहीं, हम इसको हटा देते हैं. आई विल बी एट होम और वी विल बी एट होम. यस, आई विल बी एट होम, वी विल बी एट होम, यू विल बी एट होम, हाँ, ही विल बी एट होम और ओके. शी विल बी एट होम। ओके, और दे विल बी एट होम, दे विल बी एट होम. और एनी प्रॉपर नाउन, संजय विल बी एट होम। ओके. ओके, इस तरीके से होता है। अब इसका मतलब ये है, इन सब के साथ अगर हम कॉमन ऐसा विल बी अगर लगाते हैं ऐसे यहाँ, हम एक बार हटा दें तो. ओके, अगर मैंने यहां लिख दिया यस, वी विल बी एट होम. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? विल बी इज अ कॉमन दैट वर्ब वी आर यूजिंग अलॉन्ग विथ ऑल दीज सब्जेक्ट्स. एंड हियर वी आर सेइंग एट होम. सो आई विल बी एट होम, यू विल बी एट होम, ओके. देन ही विल बी एट होम, शी विल बी एट होम, इट विल बी एट होम. हाँ, उसके पहले हमको पहले जरूर बताना पड़ेगा कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्या घर पे क्या होने वाला है, जो भी है. दे विल बी एट होम. एंड एनी प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करते हैं तो संजय विल बी एट होम, राहुल विल बी एट होम, हाँ, हर्षित विल बी एट होम, कुछ भी हो सकता है ना. और उसकी जगह हम एक बात करते हैं कि एट होम की जगह अगर हम, आप कह रहे थे दूसरा भी एक प्रकार होता है,
दूसरा प्रकार होता है, एक तो क्या है कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विल बी का यूज होता है, और दूसरा यूज होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी उसका यूज होता है। किस तरीके से होता है? आई विल बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है? ओके, इसमें भी मार्केट नहीं, मार्केट। आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। ओके, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं है फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या मैंने कल बताया था प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ओके, फ्यूचर मतलब भविष्य, फ्यूचर मतलब भविष्य, कंटिन्यूअस मतलब वो क्रिया चल रही होगी या चल रही है, ठीक है? आई विल बी से तात्पर्य ये हुआ कि ये भविष्य की क्रिया है, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा कहाँ, मार्केट को। इसको हम हिंदी में लिख दें, सर एक मिनट, इसको हिंदी में मैं बाजार जा रहा हूंगा, ठीक है? मैं बाजार जा रहा हूंगा मतलब आने वाले समय में मैं क्या कर रहा हूंगा, है ना? ये बाजार जा रहा होगा मतलब कल ऐसा होगा कि आप वहाँ पहुंच चुके, वहाँ खरीदारी कर रहे होंगे, आप कल वहाँ पेपर दे रहे होंगे, कल हमारे यहाँ शादी हो रही होगी। हम उसको उसका ही के साथ में देख लेते हैं। ओके, he will be purchasing books next day का मतलब हो गया कल। सर ये भी बोलते हैं ना कि मिस्टर शर्मा विल बी आर चीफ गेस्ट टुमारो। यस, इट इज वेरी गुड, मतलब मिस्टर शर्मा जो है कल हमारे चीफ गेस्ट होंगे। यस, हाँ, ओके, वो इसके लिए यूज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के लिए, मिस्टर, आई विल बी डांसिंग इन माय स्कूल टुमारो, मिस्टर शर्मा Will be chief guest tomorrow. Mr. Sharma will be chief guest in our school function in our school function भी बोल सकते हैं। टुमारो या नेक्स्ट डे आफ्टर थ्री डेज वॉट एवर हमारे स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में मिस्टर शर्मा चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है? इसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे करेंगे ये बता दें पहले। मिस्टर शर्मा विल बी चीफ गेस्ट, चीफ मतलब मुख्य अतिथि, जो चीफ रहता है, मुख्य रहता है, उसको हम कहते हैं चीफ। और इसको अगर आपने चीप कह दिया तो मतलब बहुत होता है सस्ता, तो हमेशा याद रखना इसको हम चीफ नहीं बोलेंगे, चीफ गेस्ट, ओके?
मिस्टर शर्मा विल बी चीफ गेस्ट इन आर इन आर कॉलेज इन आर स्कूल आर कॉलेज आर 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 मतलब हमारा अवर नहीं बोलते इसको कहते हैं आर कॉलेज ठीक है मिस्टर शर्मा विल बी चीफ गेस्ट इन आर स्कूल फंक्शन अवर नहीं बोलना चाहिए अवर का अर्थ अलग होता है वैसे उसको भी आर ही बोलते हैं उसको भी अवर नहीं बोलते जो एच ओ यू आर अवर मतलब जो घंटा घंटों के लिए यूज करते हैं जो 60 मिनट का एक घंटा होता है उसके लिए आवर बोलते हैं और उसको भी आवर ही बोलते हैं जी है ना अवर उसको भी नहीं बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में उसको भी हम बोलेंगे मिस्टर शर्मा विल बी चीफ गेस्ट इन आवर स्कूल फंक्शन मतलब मिस्टर शर्मा हमारे इसको यहाँ ऊपर लिख दीजिए तो बच्चों को और आसानी से समझ में आ जाएगा मिस्टर शर्मा हमारे हमारे स्कूल स्कूल में की कार्यक्रम में फंक्शन लिखा है ना की कार्यक्रम में कार्यक्रम के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मुख्य अतिथि होंगे देखिए यही जो है होंगे यहाँ भी है ये होंगे यहाँ भी है ठीक है है ना कल मेरा डांस होगा हाँ या कल मैं डांस कर रही होंगी नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम वाक्य देख रहे हैं हाँ, कल मैं डांस कर रही होंगी आई विल बी डांसिंग टुमारो आई बी डांसिंग टुमारो कल मैं डांस कर रही होंगी आई विल बी डांसिंग टुमारो देखिए ये ऐसे शब्द हैं जो हम रोजमर्रा की बातों में इनको प्रयोग में लाते हैं और ये जो है हम विल बी कोई विल जैसे हमने यूज किया ये समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय की बात हो रही है जो जा चुका है या जो प्रेजेंट है उसकी नहीं आप एक बार देख लीजिए इसको